मैं रंभासुर और महिष का पुत्र महिषासुर और ब्रह्मा के वर से सर्वशक्तिमान हो गया हूँ। अब मुझे इस त्रिलोक का कोई भी पुरुष नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ। और जहाँ तक नारी का सवाल है, नारी तो तुच्छ होती है, अबला होती है, वो मुझे नहीं मार सकती। मतलब मैं अमर हूँ। मूर्ख हो तुम महिषासुर, जिसे ये लगता है कि नारी अबला होती है और नारी तुम्हारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। सही कहा आपने महादेव, लेकिन इस असुर का सारा भ्रम जल्द दूर होने वाला है। महादेव नारायण, वो दिव्य क्षण आ चुका है जब हम सारे देवताओं को मिलकर देवी आदि पराशक्ति के लिए एक सुंदर सा शरीर निर्माण करना होगा, ताकि उस शरीर में विराजमान होकर देवी उस महिषासुर का अंत कर सके। देवी के शरीर की रचना हुई, शिव के तेज से मुख, नारायण के तेज से भुजाएं और ब्रह्मा के तेज से चरण का निर्माण हुआ। बाकी अन्य देवों से अन्य अंगों का निर्माण हुआ। सबके तेज ने मिलकर एक नारी का रूप लिया। वही नारी जो साक्षात आदि पराशक्ति है, जो शक्ति स्वरूपिणी महालक्ष्मी है, जो भगवती दुर्गा है, जो महिषासुर का काल महिषासुरमर्दिनी है। समस्त देवगण ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से देवी को सुसज्जित किया। देवी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने वाहन सिंह के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुई। महिषासुर, तेरे अंत का आरंभ हो चुका है। तेरे पापों का दंड देने मैं आ रही हूँ तेरे पास। ये हो क्या रहा है? अचानक यहाँ पे इतना कंपन कैसे उत्पन्न हो रहा है? असुर राज की जय हो। एक नारी अपने वाहन सिंह के साथ यहाँ पे आई है और आपको युद्ध के लिए ललकार रही है। एक तुच्छ नारी की इतनी हिम्मत कि वो असुर राज महिषासुर को युद्ध के लिए ललकार रही है। जाओ, समस्त सेना लेकर जाओ और उसे बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आओ। मेरी पूरी सेना युद्ध में मारी गई। वो नारी कोई साधारण नारी नहीं हो सकती, वो जरूर कोई दिव्य नारी है। कौन है वो? आओ महिषासुर और मेरे युद्ध के आवाहन को स्वीकार करो। नहीं देवी, मैं आपसे युद्ध करने नहीं, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मुझे पता चल चुका है कि मेरा अंत आपके ही हाथों होने वाला है, इसलिए मृत्यु से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं आपका परम स्वरूप दर्शन करूं।
आपके देह की इस दिव्य ऊर्जा ने मुझे यह आभास करा दिया है कि आप कोई सामान्य नारी नहीं है, आप कोई दिव्य ऊर्जा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना परिचय दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ एक नारी होकर आप में इतनी प्रचंड और असीमित शक्तियाँ आई कहाँ से? मूर्ख, मैं स्वयं शक्ति हूँ। और तुम पूछते हो मुझ में शक्तियाँ कहाँ से आई? पुरुष को लगता है कि वो बलवान है और नारी अबला, लेकिन सत्य तो ये है कि नारी ही एक पुरुष की शक्ति होती है और अपनी शक्ति के बिना पुरुष शक्तिहीन होता है। कभी माँ, कभी अर्धांगिनी, तो कभी बहन या फिर बेटी बनकर एक नारी ही पुरुष को शक्ति देती है। और नारी को तुम शक्तिहीन मानते हो। तुमने मेरे परम स्वरूप के दर्शन करने की आखिरी इच्छा प्रकट की थी, वो इच्छा तुम्हारी पूर्ण होगी। मैं तुम्हें अपना परम स्वरूप दिखाऊंगी। मैं आदि पराशक्ति हूँ, वो शक्ति जिसका ना ही कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, जिसका ना ही सृजन संभव है और ना ही विनाश। मैंने ही इस ब्रह्मांड का सृजन किया है और एक दिन ये ब्रह्मांड मुझ में ही विलीन हो जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में जो घटित होता है वो मेरी ही इच्छा से होता है। मैं ही हर देव के साथ उनकी शक्ति के रूप में होती हूँ। मैं ही प्रकृति के कण कण में वास करती हूँ। शरीर जिस पंच तत्वों से बनते हैं वो भी मैं हूँ, और शरीर के अंदर बसने वाली आत्मा भी मैं ही हूँ। जिस माया के बंधन में तुम फंसे हो वो भी मैं हूँ। विष्णु की विष्णु माया भी मैं ही हूँ। विद्वानों में विद्या और बुद्धिमानों में बुद्धि बनके मैं ही वास करती हूँ। मैं ही सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देती हूँ। मैं ही माया का बंधन तोड़कर मोक्ष प्रदान करती हूँ। चेतना, निद्रा, सुधा, छाया, तृष्णा, सहनशीलता, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि भी मैं ही हूँ। पशु, पक्षी, कीट, मानव, हर जीव में मैं हूँ। पुरुष में भी मैं बसती हूँ और नारी में भी। और तुम कहते हो नारी अबला होती है। कदाचित तुम्हें नारी की शक्ति का एहसास नहीं। क्षमा माता, क्षमा, मैंने सच में बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मैंने अपनी शक्ति के अहंकार में आकर पता नहीं कितनों को रुलाया, और इसी शक्ति के अहंकार में आकर मैंने नारी को अबला समझा और पुरुष को बलवान। कितनी गलत सोच थी मेरी माँ, शायद मेरा अपराध क्षमा योग्य ही नहीं है। माता मुझे दंड दीजिए, माता मुझे अपने कर्मों का फल दीजिए। माता नहीं पुत्र, युद्ध का क्या प्रयोजन? तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका है। जाओ, लौट जाओ अपने असुर लोक और एक सत्पुरुष की तरह अपना जीवन व्यतीत करो। नहीं माता, मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मुझे एक कायर असुर के रूप में स्मरण किया जाए जिसने अपने समक्ष आदि पराशक्ति को देखकर रण छोड़कर भाग गया। मैं चाहता हूँ कि सब मुझे एक वीर पराक्रमी असुर के रूप में स्मरण करें। पुत्र, अपने समक्ष अपने कार्य को देखकर भी तुम पीछे नहीं हटे। मैं तुम्हारे इस पराक्रम से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अनंत काल तक जब जब मुझे पूजा जाएगा तब मेरे चरण के स्पर्श में तुम रहोगे और मेरे साथ तुम भी पूजे जाओगे।